वीडियो में आज हम पढ़ेंगे कि रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम किसे कहा जाता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, एक स्मॉल चिप होती है जिसको हम अपने मदरबोर्ड में लगा देते हैं और ये इस्तेमाल होती है दरअसल डाटा को स्टोर करने के लिए जो कि सीपीयू उस वक्त प्रोसेस कर रहा होता है, यानी सीपीयू जिस डाटा को करंटली प्रोसेस कर रहा होता है उसको इस चिप में जो है वो स्टोर किया जाता है। और ये जो है वो थोड़े अरसे के लिए स्टोर होता है, यानी डाटा जो है वो लॉस हो जाता है। जैसे ही आप अपनी पावर ऑफ करते हैं कंप्यूटर से, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी ऑफ होती है तो जितना भी डाटा इस चिप में होता है वो तमाम का तमाम खत्म हो जाता है। इसी वजह से इसे कहा जाता है टेम्प्ररी स्टोरेज। टेम्प्ररी स्टोरेज का मतलब ये है कि डाटा इसमें टेम्प्ररी स्टोर होता है आरजी तौर पर, इसीलिए इसे कहा जाता है वॉलेटाइल मेमोरी। इसका एक और नाम है, इसको हम वॉलेटाइल मेमोरी भी। अब चूंकि सीपीयू अपने तमाम जो मेन ऑपरेशंस हैं वो इसी मेमोरी का इस्तेमाल करते हुए परफॉर्म करता है, इसी वजह से इसे मेन मेमोरी भी कहा जाता है और इसे हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। यानी इस मेमोरी के बगैर कंप्यूटर अपने ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि कंप्यूटर को ज़रूरत होती है जिस टाइम वो डाटा प्रोसेस कर रहा होता है तो उसको ज़रूरत पड़ती है कि वो आरजी तौर पर साथ साथ डाटा स्टोर करता रहे ताकि उसको प्रोसेस करने में आसानी हो। तो अब हम इसका स्ट्रक्चर जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो हमारे पास रैम होती है इसका स्ट्रक्चर दरअसल कैसा होता है। अब इसको हम इसका जो सबसे पहली चीज़ हमने पढ़नी है वो ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि मेमोरी सेल किसे कहा जाता है। ये इस मेमोरी का बेसिक यूनिट कहलाता है। मेमोरी सेल दरअसल हमारे पास एक बहुत ही स्मॉल एरिया होता है जिसको हम आम आँख से नहीं देख सकते। ये क्या करता है कि ये इस रैम का एक ऐसा हिस्सा होता है जो कि एक बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। यानी इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो या तो वन की शक्ल में होगी या जीरो की शक्ल में होगी। अभी जो मेमोरी सेल है ये नॉर्मली जो है वो ट्रांजिस्टर एक डिवाइस है, एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं और वो एक्ट करता है एज ए ऑन ऑफ स्विच। यानी इसके अंदर अगर करंट फ्लो कर रहा है तो ये एज ए वन यानी वोल्टेज हाई है, और करंट अगर फ्लो नहीं कर रहा, वोल्टेज इसका डाउन हो जाएगा, तो ये जीरो को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये ट्रांजिस्टर दरअसल इस्तेमाल होता है इस मेमोरी सेल में, और एक सिंगल रैम के अंदर जो है वो मिलियंस ऑफ स्मॉल मेमोरी सेल्स होते हैं जो कि हमारा बाइनरी डाटा 1-0 की फॉर्म में स्टोर करते हैं। अब हम ये जानते हैं कि ये जो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको हम कहते हैं, इसको हम मदरबोर्ड पे कहाँ पे प्लेस करते हैं और उसको कैसे हम जो है लोकेट किया जा सकता है, कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। जैसे ही आप कंप्यूटर को खोलेंगे तो आपको उसके अंदर मेन मदरबोर्ड नजर आएगा। इस मदरबोर्ड में जो यहाँ पे आपको ये स्लॉट्स नजर आ रही हैं, इन स्लॉट्स में हम क्या करते हैं कि अपनी इस मेमोरी चिप को, इस रैम को यहाँ पे हम प्लेस करते हैं। यहाँ पे ये दो क्लिप्स आप देख सकते हैं, ये दो क्लिप्स है, व्हाइट क्लिप्स जो हैं, जैसे ही आप यहाँ पे इसको, इस चिप को रखते हैं और थोड़ा सा प्रेस करते हैं तो ये व्हाइट क्लिप्स के जरिए जो है कनेक्ट हो जाती है आपके मदरबोर्ड के साथ। अब हम ये जानते हैं इसको कि ये जो हमारी चिप है इसका फर्दर स्ट्रक्चर जानते हैं। इस चिप को अगर हम गौर से देखें तो इसके अंदर आपको तीन मेन पार्ट्स नजर आएंगे। एक जो है इसका मेन एरिया आपको नजर आ रहा है जो ग्रीन कलर में है, ये दरअसल इसका सर्किट बोर्ड कहलाता है। सर्किट बोर्ड के साथ आपको यहाँ पे कुछ ब्लैक चिप्स नजर आ रही हैं, ये दरअसल इसकी आईसीज हैं, ये इसकी इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं जिसके अंदर हमारा मेन डाटा जो है वो स्टोर होता है। और एक आईसी के अंदर मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं जो कि हमारा डाटा बाइनरी फॉर्म में स्टोर करते हैं। और इसके साथ जो आपको ये एरिया नजर आ रहा है, यहाँ से हमारे वो जो व्हाइट क्लिप्स की मैंने बात की थी वो इसके साथ यहाँ पे अटैच हो जाते हैं, जिससे ये हमारे मेन मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड हो जाती है। और इसके साथ नीचे आपको येलो कलर की पिन्स नजर आएंगी, ये पिन्स जो है हमारे इस रैम को कनेक्ट करती हैं हमारे मेन मदरबोर्ड के साथ। जितना भी डाटा ट्रांसफर होता है वो इन पिन्स के जरिए होता है। अब हम मजीद इसको जानते हैं कि एक रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कि एक चिप है, वो मदरबोर्ड पे किस तरह से काम करती है। तो उसके लिए हमारे पास ये एक डायग्राम है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मिसाल के तौर पे हमने कीबोर्ड से एक वर्ड प्रेस किया है वेब, और वेब जो है वो यहाँ से डाटा जो है, जैसे ही आप कीबोर्ड से बटन प्रेस करेंगे W, तो क्या होगा कि एक इंटरप्ट जनरेट होगा और सीपीयू जो कि नॉर्मल की एक्टिविटीज कर रहा था उसके काम में रुकावट आएगी और वो क्या करेगा, अपनी तमाम तवज्जा जो है वो इस इनपुट की तरफ देगा। और अब W जो है वो एक सिग्नल की फॉर्म में इस सीपीयू तक पहुंचेगा और सीपीयू क्या करेगा कि इस W को यहाँ पे हमारी जो रैम है इसकी एक सिंगल मेमोरी लोकेशन में बाइनरी फॉर्म में स्टोर कर देगा। अब
उसके बाद अब सीपीयू क्या करेगा कि अब ये डाटा यहाँ पे जो स्टोर हो चुका है रैम की रैंडम एक्सेस मेमोरी की लोकेशन पे, यहाँ पे दो अहम ऑपरेशंस होंगे। नंबर वन, एक यहाँ पे वो रीड ऑपरेशन करेगा, यानी डाटा को यहाँ से रीड करेगा। रीड करने के बाद उसको अपने अंदर प्रोसेस करने के बाद वापस उसको राइट कर देगा। और जब इसको ये राइट करेगा, राइट करने के बाद यहाँ से फिर इसको भेज दिया जाएगा आउटपुट डिवाइस की तरफ, और आउटपुट डिवाइस क्या करेगी, W आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसी तरह E और B भी इसी तरह से काम करेंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से CPU को जरूरत पड़ती है कि जो भी डाटा ये प्रोसेस कर रहा होता है तो उस डाटा को उसको टेम्प्ररी इस रैम में स्टोर करना पड़ता है, और रैम से वो रीड एंड राइट के जरिए उसको प्रोसेस करता है, रीड करता है और उसको प्रोसेस करने के बाद वापस राइट कर देता है, और वो फिर आउटपुट जो है हमारी आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाता है। इसको हम मजीद जो है वो अगर इन डेप्थ समझने की कोशिश करें, इस फिगर में आप देख सकते हैं कि मेमोरी का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर हमारे पास मेमोरी लोकेशंस होती हैं, और हर मेमोरी लोकेशन में एक नंबर ऑफ बिट्स होती हैं जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, और हर मेमोरी लोकेशन का एक खास एड्रेस होता है, यानी उस लोकेशन तक पहुंचने के लिए हम एक एड्रेस का नंबर एक एड्रेस का इस्तेमाल करते हैं। वो एड्रेस कोई भी नंबर हो सकता है, लेट सपोज ये एक उसका एड्रेस है। अब इस नंबर के जरिए जब भी आपने इस लोकेशन तक पहुंचना होगा तो आप इसके एड्रेस के जरिए पहुंचेंगे। तो सीपीयू जो है वो यहाँ पे रीड एंड राइट ऑपरेशंस करता है, यहाँ से डाटा गेट करता है, उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद जो है वापस उसको मेमोरी में राइट कर देता है। यहाँ पे एक अहम इसके अंदर सीपीयू के अंदर एक अहम हिस्सा होता है जिसको हम प्रोग्राम काउंटर कहते हैं। ये क्या करता है कि यहाँ से इंस्ट्रक्शन को फेच करता है, और फेच करने के बाद यहाँ पे काउंट करता है कि एक इंस्ट्रक्शन जो है वो फेच हो चुकी है, और उसके बाद ये आने वाली इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है, जैसे कि अब ये इंस्ट्रक्शन जो है ये सीपीयू को प्रोसेस कर रहा है, इसके बाद इस इंस्ट्रक्शन की बारी है, तो इसका जो एड्रेस होगा, लेट सपोज ये इसका एड्रेस है, ये एड्रेस जो है प्रोग्राम काउंटर अपने अंदर स्टोर कर लेता है। इससे सीपीयू को ये पता चलता है कि आने वाली इंस्ट्रक्शन जो है वो इस एड्रेस पे मौजूद है। तो इस तरह से जो है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी काम करती है। अब इसको यहाँ पे रैंडम एक्सेस मेमोरी क्यों कहा जाता है, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है रैंडम का। रैंडम से क्या मुराद है यहाँ पे, रैंडम से यहाँ पे ये मुराद है कि इससे पहले हमारे पास जो मेमोरी होती थी वो दरअसल सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी होती थी, जिसको हम सैम कहते थे। उसमें ये होता था कि हमारे पास डेटा एक सीक्वेंस में मौजूद होता था। अगर आपने लेट सपोज एक स्पेसिफिक लोकेशन तक पहुंचना है और यहाँ से आप डेटा गेट करना चाहते हैं, तो सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी में आपको बारी बारी हर लोकेशन के ऊपर सर्च करना पड़ेगा, और आप सीक्वेंस के साथ चलेंगे और फिर जाके आप इस लोकेशन पे पहुंचेंगे। ये काफ़ी एक लंबा प्रोसेस है। तो हमारे पास कोई ऐसी मेमोरी होनी चाहिए जो हमें सीक्वेंस को हमें फॉलो ना करना पड़े, बल्कि एग्जैक्ट उसका एड्रेस इस्तेमाल करते हुए हम रैंडमली उसको एक्सेस कर सकें। इसीलिए इसे कहा जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि हम कहीं पे भी किसी भी मेमोरी लोकेशन को गेट कर सकते हैं उसके एड्रेस के जरिए। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो क्या होती है, किस तरह से काम करती है, उसका मेन स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, और उसको मदरबोर्ड पे किस तरह से प्लेस किया जाता है, और इसके अंदर हमने इसके मेन फंक्शनिंग जाने, जिससे हमें ये पता चला कि ये मेन मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है, और इसके बगैर सीपीयू जो है अपने मेन ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकता।